माने टेंथ है अलेक्सा 12 पेज नंबर आपका है 133 साइंस के अंदर। बड़ा सुंदर टॉपिक हुआ आपका, क्वेश्चन नहीं है 233 है, 233 के लिए 233 ठीक है। अब क्या करोगे देखो, इसको पहले सुन लो। आज हम लोग जो जिक्र करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, पहले कुछ बात बता दे आपको, एकदम हमारे तरफ देखे सब लोग, अरे बाबू तो देखो हम प्रतिरोध पढ़ करके आ रहे हैं। याद होगा प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, अरे प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, वही से आर से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनो कुछ कहानी, अभी जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग दो क्रम में जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। कौन क्रम? और सुनई होता क्या है हम बता। जैसे आप देखिए बल्ब है, देख रहे हैं ना, अगर एक स्विच से, देखो मैं बता रहा हूँ, एक स्विच तो वो जल रहा है, एक स्विच से एक बल्ब जलता है, आप फिर मान लो दूसर का स्विच से दूसर का बल्ब जलता है, माने अलग अलग स्विच से अलग अलग बल्ब जलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। कौन क्रम है? समांतर क्रम है। समांतर मतलब अलग अलग, समांतर मतलब क्या होता है, आई में धारा हमेशा अधिक बहेगा, आई अलग है तो धारा क्या होता है हमेशा अधिक बहता है। ये तो समांतर क्रम रहा, माने समांतर क्रम को मतलब होता है कि सब अगर बल्ब जोड़ते हैं चाहे पंखा जोड़ते हैं तो अलग अलग स्विच से चलेगा, तो समझना ही ये कौन क्रम हो गई। हमनी के घर में माने जो हम घर में जो बल्ब लगाया गया होता है चाहे पंखा लगाया गया होता है सब समांतर क्रम में ही होता है, एक स्विच से एक ही बल्ब जलता है लगभग, माने 90% माने लगभग 10% ऐसा बात जाना में एगो स्विच से दो कनेक्शन बा, मजबूरी में आदमी करता है, नहीं तो एगो से एक ही रखना चाहिए ठीक है। ये तो समांतर क्रम में हो गया, जब एगो से एक जारी, अब देखा बारता नहीं, ये देखिए अब एक स्विच से देखिए दो बल्ब जल रहा है, देख रहे हैं ना, एक स्विच से दो बल्ब, देखिए ये देख रहे हैं, देखे देखिए दिखाई दिया, तो वो कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम। सिंपल सी बात है, बस समझो समांतर का मतलब होता है जितने माने बल्ब LED है अगर एक स्विच से एक ही कोई जल रहा है तो उसको समांतर क्रम में, आ एक स्विच से कई जल रहे हैं तो उसको। अब सुनो कहानी क्या होता है, अगर स्विच खराब हो जाएगा तो दोनों में से कोई नहीं जलेगा, जलेगा अगर बीच में तार फाल्ट हो गया तो दोनों में से कोई नहीं जलेगा, तो श्रेणी क्रम में खतरा ज़्यादा रहता खराब होने के लिए। समांतर में क्या स्विच खराब हो गया तो एक ही को नहीं, एक तो जलेगा ना, अलग अलग है तो यही होता है। तो हमने के प्रतिरोध को किस क्रम में पहले जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। आ सुनो सुनो ना जा क्या हुआ, हाँ बात करो, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है एक बात बताते, श्रेणी क्रम में रे रे श्रेणी क्रम में जो धारा होता है एक समान बहता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये मतलब देखो हाई एगो स्विच हो गई, क्या हो गई स्विच, जो कहता है हाई बल्ब लगा दिलो फिर एगो और लगा दिलो फिर एगो और लगा दिलो फिर एगो और लगा दिलो फिर एगो और, कौन क्रम हो गई, कौन क्रम, अब मजा आ गया आप समझ गए होंगे। आ सुना ए बाबू ए तकाना पड़ रहा है, ऐसे ही क्या समझे ना, माने एगो स्विच बाबू से 10 को बल्ब जोड़ दो तो कौन क्रम हो जाएगा। आप कहानी सुना, अगर हे बल्ब में धारा 5 एम्पियर बा तो मानियो कितना रहेगा, आई मानियो कितना, आई मानियो कितना, लेकिन 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 विभवांतर अलग अलग रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर की मात्रा क्या होता है, बोल्ट होता है, तो भी का बता रहे हो, प्रतीक पूछा जाता है ना, जब मात्रा इधर बोल्ट का तो भी कह रहे हैं, इतना खुश हो गया भी भी, हाँ चला एक स्विच से जब कई बल्ब जोड़ देंगे तो क्या होगा, धारा एक समान बहेगा, मान लो कोई कह दे कि एक स्विच है, चलो हमने यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, और कोई बहुत बुद्धिमान आदमी है कहा कि हमें 10 एम्पियर की धारा बहती है तो बताओ हमें कितना बहेगा, कहाँ है कहाँ है, कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सब में धारा क्या होती है, राम राम सब लोग जान गए, तो यह होता है श्रेणी क्रम में, समझ गए। लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा, है क्या विभवांतर 5 वोल्ट बा
तो के 4 बोल्ट होगा तो के 3 बोल्ट बना लेगा कम होता है आ एगो स्विच खराब तार खराब सुनो नैया सब खराब एक ना जो अब है ना आज कहानी तो कौन क्रम रहा अब कहानी बा एगो स्विच रहा है एगो बल्ब जरा एगो है स्विच एगो हृदय जराब एगो है स्विच एगो हृदय जराब तो कौन अगर इमें जराब 5 इमें 5 कौन अब 6 इमें वही 7 अलगे अलगे बढ़ेगा सब समाधि क्रम समझे न एगो बल्ब से एगो स्विच एगो बल्ब से एगो स्विच एगो बल्ब से तो कौन क्रम होता है समांतर क्रम होता है बात समझ में आई समांतर क्रम में धारा अलग अलग बाती है हम लोग घरों में सुनो कहानी जो बल्ब लगता है किस क्रम में लगता है अब आपको बताना है कि धारा श्रेणी में अधिक बहता है कि समांतर में समांतर में समांतर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है श्रेणी में तो देखो आई बल्ब खूब तेज जरी आई वाला बाद डीम बाद डीम होते जाता है जान समांतर में तो भाई सब बराबर होता है समझ रहे बात को अब सुनो कहानी क्या होगा अब हम लोग कहानी को ख़त्म करते हैं और आते हैं प्रतिरोध के संयोजन संयोजन का मतलब क्या होता है जोड़ना संयोजन का मतलब तो जोड़े हाँ हाँ आइए बताते हैं पहले समझना लिखना तो उनको नहीं है खाली समझो मजा आएगा समझने में प्रतिरोधों का संयोजन है ना आइए का फिजिक्स अच्छा लग रहा है हाँ अरे बोलो 31 तारीख इंतजार रखना तुम लोग खाओगे कुछ प्रतिरोधों का संयोजन तक लिख लेना कि प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रमों में होता है हाँ प्रतिरोधों का संयोजन किसने क्रम में होता है कौन क्रम में कौन कौन हिमांशु के कहना में हमारे कहा पूछे था और हाथ पूछे चलो तो पहला कौन होगा अच्छा कौन बताएगा श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अरे सीरीज ऑर्डर कहा जाता है सीरीज माने समांतर अब पैरेलल माने होता है सीरीज माने होता है श्रेणी अब पैरेलल माने होता है समांतर हो गया क्या करोगे कहेंगे जोड़ोगे तो नहीं बताते हम आपको खूब बढ़िया से इधर सुनो ब्लैकबोर्ड पर देखना चलो भैया भाई भौजी के प्रतिरोध एक प्रतिरोध दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध कौन क्रम में जुड़ा गया है भुला गए अरे यार एक साथ एक तार से सब जोड़ बताओ ना समांतर है ना श्रेणी है लेणी है लेणी है ना समांतर के रहे श्रेणी है ना एक को तार में तरह के गोथ दिया लिंगे गोथिंगे इनके सही गोथ दिया करेंट दे दिया समांतर क्यों ना भाई है ना लिया ही बात है करा के कैसे जोड़े गए बाटी से जोड़े में धारा भाई ना भाई हमें कूची लगा था कूची का मतलब हाँ दवाई में तब नहीं दबी अलिया के इसको जोड़ दे अब सुना इधर सुनो यार सीधा बैठ पहले जब इस श्रेणी क्रम में जोड़ जाए तो सुना आई पहला प्रतिरोध कहिए प्रतिकोला प्रतिरोध कहिए प्रतिकोला टेढ़वा दो प्रतिकवा कहीं का कहीं दिया कहीं आपको शेयर करा दे अरे आ जाओ कहाँ आ जाओ हेते आ जाओ संख्या 225 है निकाल लिए देखा लिख लबा विद्युत सेल का लिख लबा तो विद्युत सेल के कहेंगे अरे एगो प्लस में एगो माइनस रहेंगे चित्र होता है देख लो एगो प्लस और एक अरे प्लस वाला धनात्मक तो माइनस वाला तो प्लस के धनात्मक होगा कर जला हिंदी में अच्छा बैटरी बैटरी का सर देखो जब कई वो सेल जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं कई सेल जैसे आप इन्वर्टर का बैटरी देखते हैं ना 24 वोल्ट का है तो 6 गो में रहेला चाहे 12 वोल्ट के बाद तो 6 गो रहेला सेल दो दो वोल्ट के तो 6 गो जोड़े तो कौ गो जाए 12 वोल्ट बैटरी है 12 वोल्ट हो जाता आज देखो आई खुला कूंजी है बता रहे नू माने धारा ना बही अभी स्विच माने बंद बा ऑफ बा भाई बंद कूंजी है धारा बही
आई तार के जो है उसका आई बिना संधि के तार आई विद्युत बल के प्रतीक दलवा देख लो लगी आई का आई प्रतिरोध के छीन आपके जन बतौनी है देखा लगी आई धारा नियंत्रक चाहेगा बनाओ चाहेगा बनाओ आई का एमीट एम एमीटर हा कल बता लगे रे याद बा कल बतौल रानी आई वोल्ट मीटर अयो याद है कल बता लगे लो कहानी खो तमे में कुछ बा और रख दो खेना नहीं खेता चला गया तो भाई समझ गए का है का है का है प्रतिरोध क्या प्रतिरोध है कि बाबा के बाल्टी है हाँ आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री हे बाबू तीन को प्रतिरोध बता रहा ना टू आर थ्री लिखाई न अच्छा एक बार तो क्या लिखाई आर फोर एक बार फोर लिखो आर वन आर टू आती तब आर फोर लिखा जाए मान कहने के मतलब तीन को ही बढ़ा दिए जाए आई में धारा बही तो धारा एक का लिखा जाए आ तू अब के पढ़े अल कहा कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो धारा क्या होता है समान होता है क्या होता है अगर हेजा आई बात यहाँ भी कहा रहेगा आई जा आई माने आई माने आख धारा कहते हैं चलिए अब आइए आई शेर है आई क्या है आई वाली कहानी जान जा कि आपके बतानी है सुनो हेमे प्रतिरोध जितना वो में विभवांतर सब में अलग अलग है मैं भी वन हेमे भी टू याद हो आई कहानी को कहानी बना के जो लिखल जाए क्या लिखल जाए लिखत चित्र से मान लिखना कि सर्वप्रथम चित्र से तीन प्रतिरोध तीन कौन कौन है भाई आर वन आर टू और आर थ्री है और इसे किस क्रम में जोड़ते हैं अरे सीवन क्रम है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में क्या करते हैं जोड़ते हैं तो धारा क्या होता है धारा एक समान होता है ना समझना बाबू तो धारा क्या होता है विभांतर क्या होता है अब आ जाओ ए बाबू तो समझो ना पहले तो समझो लिखने के लिए क्या आपको मीठा थोड़े देंगे पूरा टाइम देंगे आज भैया ओम के नियम से ककरा नियम से का होला ओम के नियम हो आर बराबर भी बताए आर बराबर बुलाओगे कभी ओम वक्त कहा जाता है जब याद है ना भुला के हम लोग आई में विभांतर अलग अलग बात है तीछा दिगुना तो भी बराबर आ गई आई यार भी बराबर अरे भी से गुणा एक मत भी आई से गुणा आर में तो आई यार अब सुन कहानी काहे हमने के भी बराबर लिखाई लग काहे कि भी अलग अलग है जो अलग अलग होता है उसी के बराबर लिखते हैं अब सुनो यहाँ पर आराम से एकदम आराम से पहला प्रतिरोध के लिए पहला तो जानते हो क्या होगा भी वन बराबर आई आर वन भी वन बराबर देखा ना तो देखा तर आई आर वन बा भी वन बाई वही है बा तो आई वही रही भी वन बराबर आई आर वन आ दूसरा आप लिखा जाएगा दूसरा प्रतिरोध के लिए भी टू बराबर आई इंटू आ तीसरा के लिए भी थ्री बराबर आई आ सुन ला कहानी एगो बात अगर हेजा से जाता 10 वोल्ट तो हेजा ही तो हेजा भी वन बाई या भी टू तीन को बदल गए लो अगर हेजा से सुन लो 15 वोल्ट जाई तो तीन को बात है पाँच को ही पाँच को ही पाँच को ही पाँच पाँच में बढ़ जाएगा तो अब सुना कहानी क्या होगा या लिखना कुल विभवान्तर क्या लिखोगे कुल विभवान्तर तभी जान बा ऊपर जाता कहीं भी वन भी टू भी थ्री होता ना तो भी वन भी टू भी थ्री अभी के जब का लिखाएगा अरे आई क्या बा आई यार का लिखाएगा आई अभी वन के जगह पर आई आर वन अभित्री के जगह पर आई अभित्री के जगह पर आई आई आर वही अब तू का कर सकल मैथ के स्टूडेंट हो लगी ना तो आई का मन थ्री आई के ना हो जाएगा आई आर वन बार टू बार थ्री बात अरे खाली आई भाई कमा लो अरे शैलेश बाबू क्या कमा लेंगे किसी में
आई से आई कैंसिल, आर बराबर हो गया आर वन आठ आर थ्री। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? चलिए भाई अब आपको समझ में आ गया सब लोग को, अब इसको नोट करिए फिर आपको ये देखो बता दें भैया आगे पढ़ लेंगे फटाफट। तो जब हमने के श्रेणी क्रम में जोड़ा था जहाँ तो प्रतिरोध क्या होता आर बराबर आर वन आर टू आर थ्री, इतना आपका आगे आर बराबर आर वन आर टू आर थ्री। सुनो अब हम लोग लगाएंगे नमीर का ए देखो नहीं सुनो तो पिया तो निकाल तो हवा लागे फिर जाए बोला पॉइंट में चल क्वेश्चन सुनो हो गया यार पढ़ो तो मैं तो आधी तुम लोग का अधिकार है कहने के देख लो। तीन प्रतिरोध सवाल समझो जिसका मान पाँच ओम है, ओम है बने ला देख लेना कितना ओम दस ओम पंद्रह ओम है तथा इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध बता दे कितना मजा आएगा लगाने में, क्या बताना है तुल्य प्रतिरोध बताइए। हाँ पढ़ो ना क्या करोगे देखो हल करो। जोन पहला दिया है आर वन का मान किसका मान आर वन बराबर लिखना है पाँच ओम, आर टू बराबर कितना दस ओम, आर थ्री बराबर पंद्रह ओम, आर का मान पूछा था कुल का मतलब है कि आर का मान तू जानते बड़ा कि जब श्रेणी क्रम में कहा था तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन का मान हो गया पाँच, आर टू का मान दस, आर थ्री का मान पंद्रह, जोड़ दोगे तो बीस ओम बीस। अच्छा बताओ एक आसान जिंदगी में कभी सवाल दिखे हो? ये तो है जो नोट कर लो आता भाई लिख लो घर से बना के लेके आना। वन टू थ्री फोर फाइव पीला के बाद आएंगे बोला जाएगा मग का पुट्ठा तोड़ देंगे देखते ना। ना कैसे एक मिनट कहते मार के तुम्हारा है